वेलकम टू द डिजिटल न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के विषय में। बिहार के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चाहे लाखों दावे कर ले, लेकिन आए दिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आती रहती हैं, वो सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न जरूर उठाती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ मामला भवानीपुर से सामने आया है, जहां पर मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि जनरेटर ऑपरेटर कर रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, जनरेटर ऑपरेटर। आपको बता दे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर में मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां पर डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करते बल्कि उनकी जगह पर जनरेटर ऑपरेटर लोगों का इलाज करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि यह मामला शनिवार का है, जो कि अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। शनिवार को जब एक मरीज इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, तो उस समय ड्यूटी पर डॉक्टर मृगेश कुमार मौजूद थे। वे अपने कक्ष में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने मरीज की सुध तक नहीं ली। उनकी जगह पर स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर ऑपरेटर के रूप में तैनात विक्की कुमार ने मरीजों का इलाज किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले पर जब ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मृगेश से सवाल किया गया, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। मतलब कि डॉक्टर साहब ने अपनी गलतियों से साफ साफ पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि जो कुछ भी हुआ वो उनकी जानकारी के बगैर होता रहा। वहीं चिकित्सक प्रभारी नवीन उफरोजिया ने बताया कि उन्हें भी इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को टालते हुए सारा जिम्मा उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मृगेश पर डालते हुए कहा कि इन सब के बारे में डॉक्टर मृगेश ही आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों के कारण जनरेटर ऑपरेटर से मरीज का इलाज करवाया गया। हेलो, टेम्पो साहब, ये मणिपुर मणिपुर थाना रिसीमा वही जगह मोटरसाइकिल वाला दारू पिला रहे की पिला रहे, वो साइड से डायरेक्ट है।